हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिलाषा कुक स्पॉट एंड लाइफ स्टाइल। मेरी भाभी, मेरी बेटी शुभी, हम तीनों लोग जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग करने। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे बिग बाज़ार, तो बिग बाज़ार से हम थोड़ी शॉपिंग करेंगे। ये बता रही है, ये हम स्कूटी से लेकर जाएंगे, हम तीनों ही जाने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग भूतनाथ में थोड़ी शॉपिंग करेंगे। तो फिर हम लोग क्या क्या शॉपिंग करेंगे मैं आपको दिखाऊंगी। अगर मार्केट में पॉसिबल हुआ तो थोड़ा सा शूट कर लूँगी, अगर नहीं हो सका तो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। हम लोग सबसे पहले भूतनाथ चौराहे पे गए। लखनऊ में ये भूतनाथ चौराहा बहुत ही फेमस है और यहाँ पर बहुत ही अच्छी मार्केटिंग होती है। कुछ तो आप जैसे फुटपाथ में भी रहते हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं, कपड़े वगैरह, ज्वेलरी वगैरह तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है। बार्गेनिंग होती है जो नीचे रोड पर जो शॉप्स होती हैं, और जो बड़ी शॉप्स हैं वहाँ पर फिक्स प्राइजेज रहते हैं। और ये है पानी पूरी, उसी चौराहे पे रहती है और 6 फ्लेवर में पानी रहता है। और ये बिग बाज़ार का बैक डोर है। और यहाँ पर आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है उनके भी ठेले लगते हैं और यहाँ पर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो हमने कुछ इयररिंग्स वगैरह पसंद करी और मेरी बेटी ने कुछ बैंगल्स लिए, भाभी ने भी इयररिंग ली। और ये देखिए स्कर्ट्स, लॉन्ग स्कर्ट्स बहुत ही प्यारी प्यारी कॉटन की हैं और इनकी प्रिंट कलर्स बहुत सुंदर हैं। तो 2 स्कर्ट भी ली हैं मैंने लॉन्ग स्कर्ट में, और बीच में उनमें डिवाइडर भी बना हुआ है तो वो बहुत पसंद आई मुझे। ब्लू कलर वाला जो है वो लिया है। और शुभी के लिए कुछ टॉप भी लिए हैं हमने। अब हम लोग पानी पूरी खाने आए हुए हैं तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से 6 फ्लेवर का पानी रहता है अलग अलग डब्बों में। तो जब आप एक प्लेट पानी पूरी खाते हैं जैसे और सभी जगह होता है तो हर पानी पूरी का पानी का फ्लेवर चेंज मिलता है। तो हम लोग लाइन से खड़े हो गए और ये जो रोड पर पानी पूरी खाने का मज़ा होता है वो तो कुछ अलग ही होता है। और हम तीनों ने पानी पूरी खाए, बहुत मज़ा आया। और इसका टेस्ट जितने भी फ्लेवर है ना, इमली वाला, खट्टा मीठा तीखा, ये स्पेशलिटी है इस ठेले में। और ये यहीं पर ही खड़ा रहता है हमेशा, रोज़ जब भी आप भूतनाथ चौराहे पे जाएंगे लखनऊ में तो एकदम सेंटर पे जो मैंने आपको कॉर्नर दिखाया है जहाँ से बिग बाज़ार का टर्न है वहीं पर ये ठेला लगता है। और हम लोगों ने खूब मज़े किए, तीनों ने पानी पूरी खाई। वैसे भी लेडीज़ जब शॉपिंग करती हैं तो शॉपिंग के बाद जब तक पानी पूरी ना खाओ तो हमारी शॉपिंग अधूरी रहती है। और शॉपिंग काफ़ी हो चुकी है। ये नेहा पकड़े हुए पैकेट्स, तो इसमें शुभी के टॉप भी हैं और लॉन्ग स्कर्ट है। और अब हम लोग जाएंगे बिग बाज़ार, वहाँ से भी शॉपिंग करनी है। शुभी को जीन्स लेना है, टॉप लेने हैं, तो वहाँ पर भी हम कुछ शॉपिंग करने वाले हैं। और इयररिंग्स पसंद करी हैं मैंने, शुभी के लिए भी लिया है और अपने लिए भी लिया है। ये देखिए यहाँ पर तो जो देख रहे हैं राजरतन, वो भी बहुत ही अच्छी शॉप है, वहाँ पर भी साड़ी कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। कानपुर में जो राजरतन है वही अब लखनऊ में भी है। और यहाँ पर हम लोगों ने ये सोडा वाटर है, लेमन सोडा, ये भी पिया। इसको पीने में भी बहुत मज़ा आया क्योंकि हल्की गर्मी शुरू हो गई है इन दिनों, और शॉपिंग में तो मज़ा आता ही है लेकिन बीच बीच में जब गर्मी में लगता है पानी पीना है, कुछ ठंडा पीना है, तो नेहा बोली हम लोग यही पियेंगे। बिग बाज़ार से हमने कुछ ड्रेसेस भी ली और साथ में कुछ किचन के लिए भी मैंने कुछ सामान लिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी अगले वीडियो में कि हमने किचन के लिए क्या क्या शॉपिंग करी है। और कुर्तियाँ ली हैं मैंने अपने लिए, और लखनऊ से जब तक लखनवी कुर्ती ना लो तो मन पूरा नहीं होता है। तो मैंने कुछ लखनऊ चिकन के कुर्ते भी लिए अपने लिए, शुभी के लिए कुछ फैंसी टॉप लिए हैं, जीन्स भी लिया है, शुभम के लिए भी कपड़े लिए हैं। तो सारे कपड़े जो हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं वो सब अभी एक साथ रखते जा रहे हैं, फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि हमने क्या सेलेक्ट किया है, क्योंकि कुछ साइज़ भी पहले देखेंगे बच्चों का, उसके बाद फिर फाइनल होगा।
यहाँ बिग बाज़ार में हबीब का सलून है, वहाँ पर मुझे और शुभी को भी हेयर कट कराना है। तो उन्होंने बोला है कि शैम्पू चाहिए, शुभी के बालों में शैम्पू नहीं है, चोटी बनाई हुई है उसने, तो कल सुबह आएंगे हम दोनों तो यहाँ पर कटिंग करवाएंगे। इयररिंग्स बहुत पसंद आई है, मैंने अपने लिए भी लिया है। और कॉस्मेटिक से मैंने कुछ लिपस्टिक के शेड्स भी लिए हैं। हम लोगों ने आइसक्रीम भी खाई है और आइसक्रीम खाने के बाद घर चले गए। और फिर अगले दिन सुबह मैं, शुभी और नेहा आए और हम लोगों ने ये हबीब के सलून में हेयर कटिंग करवाई है। तो शुभी ने फ्रंट में फ्लिक्स करवाई हैं और बैक वी करवाया है, उसे लेयर चाहिए था आगे से। हमने भी बहुत सालों के बाद हेयर कट करवाया, आपने इतने वीडियोस में देखा है मेरे प्लेन कटिंग थी, क्योंकि जब मैं पहले आई थी 5 साल पहले लखनऊ तभी मैंने कटिंग कराई थी, उसके बाद तो बस मेरा ट्रिमिंग ही कराया मैंने बीच में। और इस बार मैंने भी अपने बालों में हेयर कट करवाया, तो मैंने फुल लेयर करवाया है और शुभी ने फ्रंट लेयर कराया और बैक वी। मेरा भी बैक वी है, वी शेप में, लेकिन फुल लेयर कटिंग है। तो हम दोनों माँ बेटी का हेयर कट हो गया है, तो अब हमारा लुक चेंज हो गया है। आपको ये लुक कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। हबीब में जो कटिंग होती है मुझे बहुत पसंद है, मतलब सेटिस्फेक्शन रहता है, इसलिए मैं कहीं और से करवाती भी नहीं हूँ। जैसे मैं भुसौल में रहती हूँ तो अगर मुझे ज़रूरत भी होती है तो मैं हेयर कट नहीं करवाती हूँ। अब आईब्रोज़ करवाना तो मजबूरी हो जाती है कि करवाना है, बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन हेयर कटिंग का कोई चांस नहीं लेती मैं। तो जब लखनऊ आती हूँ भाभी के पास तभी कटिंग करवाती हूँ मैं। आप भी कभी आएँ लखनऊ या किसी भी बड़े शहर में, कानपुर वगैरह में भी है हबीब के सलून, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है, लगता है हाँ मतलब बाल जो कटे हैं उनकी शेप और बहुत अच्छी है, लुक चेंज हो जाता है पूरा। तो फाइनली हम माँ बेटी का हेयर कट हो चुका है और अब हम लोगों को घूमने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि शुभी को पहले से था जब हम जाएंगे तो जाते हेयर कट करवा लेंगे। ये मेरी फ्रेंड रूपम है, ये लखनऊ में ही रहती है और इससे मिले हम लोग तो शाम पूरी रूपम के साथ ही थे, एक पूरा दिन रूपम के साथ बिताया है मैंने। रूपम अपने फ्लैट में भी लेके गई थी और हम लोगों ने मूवी देखी, केसरी मूवी देखी। सिनेपोलिस मॉल है लखनऊ में, वहाँ गए हम लोग सबके साथ और वहीं मूवी देखने के बाद डिनर किया। बच्चों ने डोसा, चाउमीन और चिली पनीर, पिज़्ज़ा सब ऑर्डर किया अपने अपना पसंद का, सबने वहीं डिनर लिया। सिनेपोलिस मॉल लखनऊ का बहुत ही अच्छा मॉल है और केसरी मूवी भी बहुत पसंद आई हम सबको मूवी के बाद, डिनर करने के बाद, और रूपम से मिलने पे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगी, रूपम के फ्लैट में गए थे हम लोग, उसका 3 BHK फ्लैट है, बहुत ही अच्छा है, उसने बहुत अच्छे से अपने फ्लैट को सेट किया है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। उसका वीडियो बनाया है मैंने, मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगी आपको। रूपम मेरी बहुत ही पुरानी फ्रेंड है, हॉस्टल फ्रेंड्स हैं हम लोग, हमें 20 साल बाद मिले हैं मैं और रूपम। और ये हमारी दीप्ति दीदी हैं, ये हमारी सीनियर हैं, हॉस्टल सीनियर, तो ये भी हम लोगों को यहीं पर मिली हैं। तो लखनऊ में हम मिले इतने सालों के बाद तो बहुत मज़ा किया हम सब ने, पूरा एक दिन बहुत इंजॉय किया। फिर अगले दिन हम लोग तैयार होकर के भाभी के मायके गए थे, तो मम्मी साथ में गई, मम्मी, नेहा, शुभी, शुभम और हम सब लोग भाभी के घर पूरा एक दिन रहे और उनकी मम्मी ने हम लोगों को लंच पे बुलाया था। तो सुबह गए और फिर सीधे हम लोग रात में वापस लौटे। फिर अगले दिन हम लोगों की फिर से वही प्लानिंग हो गई कि कल कहाँ जाना है, तो हम लोग इमामबाड़ा जाएंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगी कि हम लोगों ने इमामबाड़ा ने क्या क्या देखा लखनऊ में। इमामबाड़ा बहुत ही फेमस जगह है और आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, जो लखनऊ नहीं आए हैं उन्हें घर बैठे हम लखनऊ घुमाएंगे। कि आप सभी को ये हमारा
लखनऊ विजिट पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।